हिंदू धर्म में हर तिथि हर त्योहार का अलग ही महत्व है। 25 तारीख के दिन जितिया व्रत रखा जाएगा। इस व्रत को करने से क्या लाभ होते हैं, आइए जानते हैं उज्जैन के पंडित से। हिंदू धर्म में अनेक त्योहार और व्रत का मान्यता कही गई है। तथा अनेक व्रत किए जाते हैं जो अलग अलग उद्देश्य से किए जाते हैं, अलग अलग प्राप्ति हेतु किए जाते हैं, मनोकामना सिद्धि हेतु किए जाते हैं। उसी प्रकार से 25 तारीख को एक व्रत आ रहा है जिसे जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को प्रदोष काल में मनाया जाता है। इस व्रत के लिए को करने से अनेक महिलाएं करती हैं और इस व्रत को रखती हैं और अपने घर में पुत्र पोत्र की आदि की उम्र लंबी उम्र के लिए तथा आयु वृद्धि के लिए व्रत किया जाता है। इस व्रत का नाम जीवतिया व्रत भी इसे कहा जाता है तथा जीवित पुत्रिका व्रत भी इसे कहा जाता है। इस व्रत को महिलाएं जो करती हैं, इस व्रत को करने से पूर्व घर की सफाई आदि किया जाता है। कहीं जगह यह व्रत 3 दिन चलता है तो कहीं जगह एक दिवसीय व्रत रखा जाता है। घर की सफाई कर करके अच्छे वस्त्र पहन कर करके भगवान का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत को रखा जाता है। इस व्रत को करने से कि हमारे पुत्र जो हों, पुत्र पुत्रियाँ जो हैं, हमारे संतान जो हैं, उनकी आयु लंबी उम्र की कामना की जाती है और भगवान से प्रार्थना की जाती है कि जिस हमारा पुत्र सालों साल जीवित रहे तथा उसके धन में वृद्धि हो, मान में वृद्धि हो तथा सम्मान में वृद्धि हो। इस प्रकार से ये व्रत किया जाता है और भारत पूरे भारतवर्ष की हिंदू धर्म को मानने वाली तथा सनातन धर्म को मानने वाली महिलाएं इस व्रत को अवश्य करती हैं, जिससे उनके शुभ पुत्र की कामना भी करती हैं तथा हमारे पुत्र की लंबी उम्र हो, इस प्रकार की कामना कर करके इस व्रत को रखा जाता है। यह व्रत 25 तारीख को उनको रखा जाएगा, उद्वान का पूजन किया जाता है और अपनी संतान पुत्र पुत्री तथा पोत्र इनके निमित्त भगवान से कामना की जाती है कि हे भगवान, आप हमारे पुत्र पोत्र तथा पुत्री जो संतान हैं उनकी को दीर्घ आयु प्रदान करें तथा उनके मान में वृद्धि करें, उनके सम्मान में वृद्धि करें तथा धन में वृद्धि करें। इस